फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशांक रावली। आज का जो हमारा वीडियो है, हम लोग देखने वाले हैं कि बिजनेस में ज्यादा पैसा है कि इक्विटी में, मतलब शेयर्स में ज्यादा पैसा है कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा है, एग्जैक्टली किसमें ज्यादा पैसा है हम लोग आज देखने वाले हैं। उसका आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आज मिलने वाला है। लेकिन वो वीडियो चालू करने से पहले आपको मैं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देना चाहूंगा फ्रेंड्स की मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था, दैट इज ऑन 18th of October को मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि मार्केट क्रैश होने वाला है। हमने एक वीडियो 21st of October को डाला था कि मार्केट अच्छा सा गिरेगा या क्रैश होगा। मैंने ऑलरेडी बोला था कुछ ही दिनों में, ऐसे मैंने बोला था। आपने देखा होगा तब से मार्केट जो है कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट गिरते आया है, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। और आज मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ओवरऑल ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट से निफ्टी, हमारे प्रेडिक्टेड रेट से ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट से निफ्टी नीचे गिर चुका है। आज के दिन जब भी हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं, निफ्टी जो है निफ्टी 400 पॉइंट से डाउन है, मोर देन 2%, मतलब 400 पॉइंट से आज ही निफ्टी डाउन है। और सेंसेक्स जो है वो 1300 पॉइंट से आज डाउन है। तो हमारे प्रेडिक्शन जो है परफेक्टली चले गए हैं। फ्रेंड्स याद रखिए, मार्केट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बोलते हैं ना, नो वन कैन टाइम द मार्केट, आई कैन से दिस, आई कैन टाइम द मार्केट। मैं मार्केट को टाइम कर सकता हूँ, एग्जैक्टली एंट्री एंड एग्जिट में बता सकता हूँ, और वो मैंने प्रूव करके दिखाया पब्लिकली। मैंने वो वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे यूट्यूब पे जाके, प्रीवियस वीडियोस मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। हमने वो मार्केट क्रैश वाला हमने वीडियो डाला हुआ है, और वैसे के वैसे मार्केट जो है वो आज ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका है, ओके, और डाउन हुआ है। उसके लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन और भी अभी आपको जो है मार्केट देखना बाकी है, और भी मार्केट का बहुत बड़ा डाउनफॉल आपको देखना बाकी है, तभी जाके हम लोग जो है आपके लिए उसका वीडियो बनाने वाले हैं। शायद मैं बहुत लिमिटेड लोगों में से भी इंसान होगा जो, मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूं तो भी मैं बहुत खुश हूं कि आज मार्केट क्रैश हुआ या बहुत डाउनफॉल आया। यू नो व्हाई? बिकॉज मुझे बराबर एंट्री और एग्जिट पता है। मैंने अपने सारे शेयर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट में, आपको पता ही है कि मोर देन 53% प्रॉफिट में हमने शेयर्स निकाले हुए हैं। इसलिए अभी मार्केट नीचे गिरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा मार्केट नीचे गिरे तो हम लोग बॉटम लेवल पे हम लोग और भी ज्यादा शेयर्स हम लोग बाय कर सकते हैं। सो फॉर अस वी डोंट हैव एनी इश्यू। ओके, सो हियर वाज अबाउट द मार्केट अपडेट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक जिसके लिए हमने आज ये वीडियो बना रहे हैं। सो आई वॉज टॉकिंग यू अबाउट द विच इंस्ट्रूमेंट हैव बिग रिटर्न्स, किसके अंदर ज्यादा रिटर्न्स है, वेदर इट्स बिजनेस और इट्स इक्विटी और इट्स म्यूचुअल फंड। तो आज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा किसमें ज्यादा पैसा है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, पहले शुरुआत आती है कंपनी, मतलब दैट इज बिजनेस, बिजनेस से निकल के आता है इक्विटी और इक्विटी से निकल के आता है म्यूचुअल फंड। ओके, ये याद रखिए। कैसे बताता हूं, पहले कंपनी फॉर्म होती है, पहले शायद कंपनी छोटी होती है, बाद में वो कंपनी बड़ी भी होने लगती है, फिर बाद में कंपनी इतनी बड़ी होती है उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, बहुत सारे आइडियाज रहते हैं, लेकिन शायद कंपनी के पास एक्सपेंशन करने के लिए फंड नहीं होता, या फिर फंड होगा तो भी ओनर सोचता है कि भाई जेब से मैं कितने दिन इतना फंड डालते रहूं। तो क्या होता है, कंपनी का जो ओनर है कुछ दिनों बाद अपनी कंपनी स्टॉक लिस्टेड कर देता है और पब्लिक से पैसा उठा लेता है, इन्वेस्टमेंट्स उठा लेता है। सो नाउ याद रखिए, अगर कंपनी का ओनर है, भले उसकी पहली कंपनी छोटी हो, बाद में स्टॉक लिस्टिंग करे, कंपनी बड़ी हो जाए, वो हमें फर्क नहीं पड़ता कंपनी बड़ी या छोटी है, हमें फर्क पड़ता है कि हमें रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं अगर आप एक कंपनी चला रहे हो या फिर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी चला रहे हो, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, और आपने समझो 100 रुपए इन्वेस्ट किया है उस पर्टिकुलर बिजनेस में, एग्जाम्पल लो, ओके, तो और आपको रिटर्न जो है वो अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है या फिर आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको जो है समझो 100% रिटर्न आ रहे हो। समझो मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, मुझे 2 साल बाद 100 रुपए रिटर्न आ रहा हूं, हम लोग 2 ईयर्स का हम लोग एग्जाम्पल पकड़ लें, जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, मुझे 100 रुपए रिटर्न आया इन 2 ईयर्स, राइट, मतलब पर आना 50% रिटर्न आया। ओके, लेकिन अगर अगर वो कंपनी चालू करने के बदला मैंने समझो मैं वही पैसा मैं सेम पैसा अगर मैं शेयर्स में लगाता हूं, ओके, उसी कंपनी के शेयर्स में या फिर कोई भी कंपनी के शेयर, भले कंपनी कितनी भी अच्छी परफॉर्म करे, लेकिन जो मुझे मेरे खुद के बिजनेस में मुझे 2 ईयर्स में 100% रिटर्न्स मिल रहे हैं, वही शायद शेयर्स में मुझे 80% रिटर्न्स मिले, 20% कम मिले। वाई? बिकॉज जो कंपनी का ओनर है पहला खुद का प्रॉफिट निकाल लेगा, बाद में आपको रिटर्न्स आपके जो है आपको पास ऑन करेगा। इसकी वजह से आपको जो है एज कम टू बिजनेस आपको शेयर्स में थोड़े कम रिटर्न्स मिलते हैं, और उससे भी बहुत ज्यादा कम जो है आपको म्यूचुअल फंड में मिलते हैं। बिकॉज म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो बिजनेस नहीं करती, तो वो कंपनी के बिजनेस में वाया स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है, राइट। तो अगर वाया स्टॉक मार्केट वो लोग पैसा लगा रहे हैं, जहां पे कंपनी अगर 100% 2 साल में कमा रही है, इक्विटी में आपको 80% मिल रहा है, तो शायद जाके आपको जो है आपका जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आपको शायद 20-25% रिटर्न मिले 2 सालों में, बाकी पैसा पूरा म्यूचुअल फंड खा जाते हैं, वो खुद का प्रॉफिट लेते हैं, आपको सिर्फ एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू दिखाते हैं, आपको एक्चुअल कहां पे इन्वेस्ट किया है या फिर लाइव मार्केट में
जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा कैसे रोल कर रहा है, वो कहां पे कहां से कहां घुमा रहा है पैसा, आपको कोई भी बताता नहीं है, बिकॉज उनको भी कंपनी चलानी होती है। क्या लगता है आपको, क्या म्यूचुअल फंड क्या सिर्फ वो जो एफएमसी चार्ज 2-5% जो भी लेते हैं तो उसके ऊपर जिंदा है? फॉर श्योर नॉट फ्रेंड। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में आपको बहुत कम रिटर्न्स मिलेंगे। आप देख सकते हो कि जो हमने आपको 3 महीने में जो रिटर्न्स दिए हैं वो बहुत बड़े, जो जैसे पराग पारेख वगैरह जो बहुत बड़े म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी इतने रिटर्न्स नहीं दिए। उन्होंने साल भर में 13-14-15% हमने रिटर्न्स दिए, हमने 3 महीने में 53%, मतलब सालाना कम करीब 200% हमने रिटर्न दिए हैं जो हमने इक्विटी में हमने निकाल के देखा, जो कि म्यूचुअल फंड में फॉर श्योर पॉसिबल नहीं है। बिकॉज म्यूचुअल फंड आपको थोड़े से पीनट्स दे देती है आपको बस खुश करने के लिए, इसलिए आप उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस कमा नहीं सकते। यस ऑफकोर्स, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कि शेयर्स में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है इफ यू आर डूइंग स्टॉक मार्केट राइट, तो आपको अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बिजनेस में बहुत ज्यादा आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन बिजनेस करना हर एक के बस की बात नहीं होती है, बिकॉज उसके अंदर आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है, शायद लाखों करोड़ों में पैसा लगाना पड़ता है राइट। और लाखों करोड़ों में पैसा लगाने के बाद भी बिजनेस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है राइट। सो और बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए। और मानता हूँ कि बिजनेस में अच्छा पैसा होता है लेकिन आपको उतनी एफर्ट्स भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि मेरे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह है राइट, तो हम लोग उसके अंदर हम लोग एफर्ट्स लेते हैं, हम लोग अच्छा सा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस का नॉलेज नहीं है या फिर टाइम नहीं है या फिर इतना बड़ा पैसा डालने के लिए आपके पास नहीं है, सो डोंट वरी, आप शेयर्स में पैसा लगा सकते हो, शेयर्स में आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड राइट। तो आप शेयर्स में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, शेयर्स में डालने के लिए स्पेशलिटी ऐसी है कि आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, मतलब आज के आज खरीद के आज के आज बेचो, आज खरीद के कल शेयर्स बेचो और पैसे कमाओ। और इवन आप कंपनी के अगर बिजनेस में पैसे लगा रहे हो और आप सर्टेन टाइम पीरियड के लिए 2-5 महीने या साल 2-5 साल के लिए अगर आप रख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आ जाते हैं, आप कम अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आपको बहुत बड़ा पैसा शायद लग सकता है, टाइम एफर्ट्स भी ज्यादा देने पड़ेंगे, नॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन शेयर्स में आपको पहले तो पैसा बहुत कम लगेगा, आपको टाइम भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है और नॉलेज देने के लिए हम लोग बैठे ना यहाँ पे, या फिर हम लोग आपको डायरेक्टली शेयर्स बताते हैं, आप डायरेक्टली खरीद सकते हो, आपको हम यहाँ पे बैठे इसलिए आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए एक कॉमन इंसान के लिए जिनके पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एफर्ट्स लेने के लिए और लिमिटेड जो है फंड्स रहते हैं, उनके लिए शेयर्स बिजनेस के थ्रू पैसे कमाना और इन्फ्लेशन बीट करके बहुत अच्छे पैसे कमाना, उनके लिए शेयर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप वो चूज कर सकते हो। सो द कंक्लूडिंग पार्ट इज कि जो मैंने बोला कि बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है, फिर उसमें से थोड़ा कट होकर आपको शेयर्स में पैसा आता है और उससे भी कम पैसा आपको जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू आता है। बिकॉज मेन इज बिजनेस, बिजनेस में से ही शेयर मार्केट निकल के आता है, बिकॉज उसके आपको शेयर्स मिलते हैं और शेयर मार्केट की वजह से ही म्यूचुअल फंड चलता है, तो हर एक अपना अपना जो प्रॉफिट निकालते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी एक कॉमन इंसान के लिए शेयर्स में, जैसे मेरे खुद की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो शेयर्स में एंड मेरे बिजनेसेस में भी मेरे इन्वेस्टमेंट्स है, जिसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है कमा लेते हैं, जो शायद आपको कोई म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंक, पीपीएफ, बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस कोई भी आपको इतने रिटर्न्स नहीं दे सकता जितनी हम लोग शेयर्स में अच्छा से रिटर्न जो है कमा लेते हैं। तो अगर आपको और भी ज्यादा शेयर्स की जानकारी चाहिए हो, अगर नॉलेज चाहिए हो, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर्स पे आप फोन कर सकते हो, हमारे नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसके अंदर हमारे ऑफिशियल नंबर्स भी दिए हुए हैं। एंड मोस्ट ओनली फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, हम लोग एक बहुत अच्छी ऑफर चला रहे हैं जिसके अंदर अगर आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अगर सीखना हो तो आपको क्या करना है, नीचे एक लिंक दी गई है ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि अकाउंट ओपनिंग की लिंक है, जो कि हमारी ब्रोकिंग फ्रेंचाइजी है एंजल ब्रोकिंग सर, जो कि 30 ईयर्स ओल्ड पुरानी कंपनी स्टॉक लिस्टेड कंपनी है। अगर आप वहां पे अकाउंट ओपन करते हो, अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो राइट। तो अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके डिटेल्स जो हमारे पास आ जाते हैं, हमारी टीम आपको कॉल करेगी एंड आपको मोर देन 25,000 रुपीज का आपको बेनिफिट देने वाली है, जो कि आपको लाइफ टाइम फायदेमंद होने वाले हैं। अभी वो बेनिफिट्स क्या है वो आपको जो है आपके हमारा टीम का फोन आने के बाद ही आपको पता चलेगा और फॉर श्योर आपको लाइफ टाइम उसका जो है फायदा हो जाएगा। तो आप उसका जरूर फायदा लीजिए और वो बिल्कुल मिस ना करें ओके। और या तो फ्रेंड्स लास्टली, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप पहले तो आप खुद सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आपको ऐसे नॉलेजेबल अपडेट्स आपको मिलते रहे। नेक्स्ट इज बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तक वो जानकारी जल्द से जल्दी जो है पहुंच जाए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ ये आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी नॉलेज बढ़े और वो भी अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ पाए। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड।